नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। देखो जो आज की वीडियो ना, ये रेशियो और प्रोपोर्शन पर होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें से जो आगे आने वाली शिफ्ट है उसमें आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा पूरा देखना। लेकिन आपसे निवेदन है कि जिसने भी एग्जाम दे दिया है तो वो अपने जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे जो कट ऑफ है उसको निकालने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए जितने भी स्कोर करके आए हैं, कौन सी कैटेगरी में करके आए हैं, तो उसका जो अपने मार्क है वो कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको कट ऑफ की वीडियो जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले चैनल को, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। देखो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो सबको बताया समानुपात और अनुपात क्या होता है। देखो अनुपात का सीधा सा मतलब होता है तुलना करना, किसी भी दो वैल्यू के अंदर तुलना करना, है ना, तुलना करना। सबको बताया। देखो अपन टाइप वाइज चलते हैं। सबसे पहले देखो पहला टाइप पढ़ते हैं। देखो सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। आप जो पशु परीक्षा एग्जाम है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पूछ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का जो रेशियो ना, ए बी का रेशियो कितना दे रखा है? ये 2:3 दे रखा है ना, 2:3 दे रखा। और बी और सी का जो रेशियो है, बी और सी का जो रेशियो है वो 5:6 दे रखा। देखो आपको इस प्रकार ही लिख रहा है ना, और पूछ क्या रहा कि ए बी रेशियो, ये देखो ए रेशियो बी रेशियो से पूछ रहा है ना। तो आपको करना क्या, देखो आपको करना ये है कि ये जो खाली जगह दिख रही है, देखो आपको ये क्या खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो पास वाली वैल्यू है वो रखनी है। आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको करने की। यहाँ पर पास में कौन से 3 है, अब आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार क्या कर, तीनों आपको अगर रेशियो निकालने 2 देकर आपको तीनों के रेशियो निकालना पूछे तो इस प्रकार करना है ना। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 5 × 2 = 10, ये 5 × 3 = 15 और 6 × 3 = 18, है ना। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार करना है। सेकंड टाइप पर चलते हैं। देखो सेकंड टाइप क्या है कि देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है देखो ए रेशियो बी दे रखा है 10:7, कितने दे रखा है 10:7 दे रखा है। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है 3:5, और सी रेशियो डी कितना दे रखा है, सी रेशियो डी दे रखा है 21:13, और डी रेशियो ई कितना दे रखा है, डी रेशियो ई दे रखा है 15:8, ये दे रखा है ना। पूछ क्या रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन में तो पूछ रहा था कि टोटल ए रेशियो बी रेशियो सी इस प्रकार देखे तो पूरा को पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है ए रेशियो ई कितना होगा, मतलब पहले वाले का रेशियो और अंत वाले का रेशियो कितना होगा। तो आपको करना क्या है इसमें, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे काटने, जैसे वो बी को बी से काटना है, सी को सी से काटना है, जो भी वैल्यू कटे ना दोनों साइड में उनको काटना है। जैसे इस प्रकार देखो, जैसे 5 है ये 2 बार कट रहा है इसमें, कट रहा है, और ये 2 है ये 4 में, देखो 8 में कट रहा है 4 बार, कट रहा है, और कुछ कट रहा है, देखो 7 है 3 बार कट रहा है, कट रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा। तो देखो यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा 15, इतनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 × 3 = 9 और 15 × 9 = 135, है ना, 15 × 9 = 135। इसको मल्टीप्लाई करो 13 × 4 = 13 = 52, है ना, 13 × 4 = 52, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, बस इतना ध्यान रखना अगर पहले वाले और लास्ट वाले को पूछे सीधे सीधे काट देना। देखो बढ़ते नेक्स्ट टाइप के। देखो ये क्वेश्चन ना, ये जो अभी अभी शिफ्ट हुई ना, अभी जो दूसरे दिन की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें ये क्वेश्चन आया, इसमें ये क्वेश्चन आया, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बन सकता है। देखो आपको करना कैसे, देखो आपको दे रखा है 4a = 5b = 8c, और पूछ कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है ना। आपको करना कैसे है, देखो सीधे सीधे आपको याद करना, आपको निकालना, अगर ए का रेशियो निकालना है तो आपको ध्यान रखना इसको 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 छोड़ देना है, और बाकी बचे उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इन दोनों को अगर ए का निकालना है तो ए को छोड़कर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 × 5 = 40, 40, ठीक है। बी का निकालना है तो बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 8 × 4 = 32, 32, है ना। और वन सी का निकालना है, सी को छोड़ दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 20, है ना। अब तीनों का रेशियो निकाल लो, अब जो कटे से उसको काट। देखो सबसे पहले इसको अगर 2 से काटो तो 20, इसको 2 से काटो 16, इसको 2 से काटो 10, और कटा दो 10, 8 और 5, ये देखो ये लास्ट में इसका रेशियो ये आया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना, सीधे सीधे अगर 3 वैल्यू बराबर दे रखी है और इन दोनों का तीनों का रेशियो पूछे तो जिसका निकालना है उसको मतलब कि उसको छोड़कर दोनों को मल्टीप्लाई करो, बस इतना करना आपको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है और अभी तक आया भी नहीं है क्वेश्चन, और देखो ये क्वेश्चन आपको अभी तक आया भी नहीं है और ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, और सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो इसमें दे रखा है a/5, b/11 और c/19, ये आपको दे रखा है, और पूछ क्या रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है। आपको करना क्या, देखो आपको अगर कुछ ए की वैल्यू बी कुछ वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू कुछ दे रखी है, सी की वैल्यू कुछ दे, और तीनों बराबर दे रखी है, और इन तीनों वैल्यू का जो ऊपर है तीनों वैल्यू का रेशियो पूछ रहा है, तो सीधे सीधे रेशियो उतना ही होगा जो नीचे दे रखा है, 17:15 = 17:19, ये लो सॉरी 17 नहीं 11 है ना, कुछ भी दे रखा है मान लो।
तो इस प्रकार सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तीन वैल्यू अकाउंट में दे रखी है और तीनों को पूछ रहा है रेशियो, तो आपको इस प्रकार करना है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखो सबसे, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है और पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करना है इसको, देखो इसमें देख क्या रखा है कि ए, देखो रेशियो को अपन को पता ना, ए रेशियो बी को अपन ये लिख सकते हैं ए बटा बी, इसको ध्यान रखना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बताया नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि ए रेशियो बी का मतलब क्या है, ए बटा बी प्लस सी है, बी रेशियो सी का बी रेशियो अपॉन में सी प्लस ए दे रखा है, दे रखा। और अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है सी रेशियो ए प्लस बी, ये पूछा है ना। और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी 17/8, इसकी वैल्यू दे रखी 11/4, और इसकी अपन को पूछी है। तो इसकी निकालने के लिए अपने को सी की वैल्यू चाहिए और ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, सही। तो ये देखो, अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा अलग है। देखो करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है। देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा। नीचे वाले में देखें तो यहाँ पर ए है, सॉरी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, तीनों को जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा। मतलब दोनों तीनों में ये दोनों कॉमन है। देखो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 17+18 कितने होते हैं, 17+18 25 होते हैं। और सेम टू सेम अगर नीचे वाले को जोड़ूंगा तो बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ये भी तो कितना आएगा पूरा। लेकिन देखो ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग आई है लेकिन सेम आना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू को कुछ इस प्रकार मल्टीप्लाई करूंगा कि ये दोनों सेम हो जाए। जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई, 25 से 75 होते हैं, है ना, कितने 25 से 75, इसको कितने मल्टीप्लाई करो 5 से मल्टीप्लाई, तो 15 × 5 = 75 होते हैं ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 75, 75, दोनों को सेम आ गई, मैंने दोनों को सेम कर दी। अब मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई, सेम टू सेम जो इसमें किया उसमें भी यही करना है, क्योंकि मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर किया तो नीचे भी करूंगा। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई गया तो उसको भी 5 से मल्टीप्लाई, आपको सीधा बस तरीका याद रखना है, इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, है ना। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 17 * 51 = 8 = 24, और 11 * 5 = 55, और 5 * 20। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू ना, वो ए की वैल्यू 51 है, और जो 55 है ना ये बी की वैल्यू, आपको बस ये याद रखना। और टोटल कितना है, टोटल आपको ए प्लस बी प्लस सी 75 लेना है। तो अपने को क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी अपने निकाला 75, है ना। और ए की वैल्यू कितनी है, 51 है, बी की वैल्यू कितनी है, 55 है, प्लस सी, अपने को सी निकालना है 75 बराबर में। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो 75 में से क्या घटाओगे, 75 में से देखो 5 + 5 = 6, 6 और 5 × 5 = 10, तो 106 घटाओगे, तो 106 में 75 घटाओगे, 106 में से देखो क्या घटाओगे, 75 घटाओगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 10 में से 7 देगा 3 बचेगा, मतलब कि माइनस का 31 बचेगा, है ना, माइनस का 31 बचेगा। तो देखो आप यहाँ पर आपको निकालना क्या, आपको निकाल देखो सी की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, सी की वैल्यू निकलेगी, सी की वैल्यू कितनी, माइनस की 31, और नीचे ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी कितना, 51 ये 55 कितना हो गया, 51 = 106, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देखो, है ना। बढ़ते नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया लगभग, अगर 4 शिफ्ट हुई ना अभी तक, कितनी शिफ्ट हुई, 4 शिफ्ट अभी तक हुई है, तो चारों शिफ्ट में लगभग ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसलिए आप भी इसको 100% कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको भी देखने मिलेगा, कल वाले शिफ्ट में 100% कह रहा हूँ। देखो क्या है कि ए बाई बी है, ये दे रखा है 5 रेशियो 2, है ना, 5/2 दे रखा है। तो आपको सीधी सीधी इसके अंदर वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू आपको 5 रखनी है और बी की वैल्यू आपको 2 रखनी है, बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि 3a है तो 3a की जगह मैं देखो एक मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, 3a की जगह रखूँ 5, और 4b है, b की जगह कितने रखूँ 2, ये दोनों अपॉन में कितना 7a, 7a की जगह रखूँ 5, और माइनस है तो माइनस, और 6b की जगह रखूँ 2, बस 5 * 3 = 15, −4 * 2 = 8, सॉरी प्लस है 8, और 7 * 2 = 35, और माइनस का 6 * 2 = 12। तो ऊपर कितने हो गए, 8 * 5 = 23, और नीचे कितने हो गए 3 और 2, 23/23, मतलब कि 1:1 इन दोनों का आंसर आ गया, मतलब एक आंसर इसका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपके भी आएगा। अब देखो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखो अब देखो ये क्वेश्चन है समानुपात का। देखो समानुपात का मतलब क्या होता है, देखो मैंने एक अलग से स्लाइड भी ली है, उस पर समझाऊंगा अच्छी तरीके से, लेकिन फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यदि कोई दो वैल्यू है, जैसे ए रेशियो बी है और कोई दूसरा रेशियो है सी रेशियो डी है, ये अगर दो इनका जो समानुपात है, इनकी जो वैल्यू होगी ना, ये जो रेशियो सेम, अगर दोनों रेशियो सेम है ना तो वो दोनों समानुपात में हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, देखो 6 * 9 लिया मैंने, ठीक है, 1 = 18 * 27 लिए, ये मैंने 2 रेशियो लिए, इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो तो देखो 2 रेशियो 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इनको सॉल्व करो, इनको देखो 9 * 2 = 18, 9 * 3 = 27, देखो दोनों रेशियो सेम आएगा नहीं, तो ये दोनों समानुपात में है, बस इतना याद रख लो, समझ गए। इसका इसका मतलब बराबर, दोनों मतलब बराबर है, ये दोनों सिंपल सी देखो साफ साफ दिख रहा है, दोनों बराबर है, समान को समानुपात का मतलब कि दोनों रेशियो बराबर है, सीधी बात याद रखो ना। तो इसको कैसे करेंगे, 21 रेशियो दे रहा 60, है ना, और दे रहा समानुपात
सात रेशियो अक्स है ना, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या कि ये जो रेशियो है और ये सब दोनों रेशियो बराबर है, मतलब समान पाते मतलब बराबर है। तो आपको करना कैसे है, 21/60 का मतलब ही क्या है, 7/x है, इतना याद रखना बस, आपको ये याद रखना है ना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 7x, इसको इसको अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अक्स को मल्टीप्लाई करूँगा 21 से, देखो 21 से मल्टीप्लाई किया, और 60 को मल्टीप्लाई करूँ 7 से, है ना, 7 से किया। तो अक्स की वैल्यू कितनी देगी, 60/7 और बटे में कितना जाएगा 21, 7 से 21 और ये 20 पर कट जाएगा। तो इसका अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, समझ रहे हैं। देखो बढ़ते हैं इस टाइप की ओर। देखो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन एकदम ईजी है। देखो ए बराबर दे रखा अपने को 3 है ना, बी बराबर दे रखा 4 भी अपने को दे रखा है 5 सी के बराबर, और 6 सी बराबर दे रखा 7 डी, ये दे रखा है। देखो मैं अपने को चाहिए डी प्लस ए और डी माइनस ए। देखो अपने को सीधा सॉल्व करना तो डी और ए की वैल्यू चाहिए अपने को, डी की और ए की वैल्यू चाहिए, लेकिन निकालूंगा कैसे। देखो ये देखो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ कि ए बटा बी रेशियो के अंदर और 3/1 लिख सकता हूँ, और इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, बी बाई सी और 5/4 लिख सकता हूँ, मतलब ये इसके नीचे गया तो ये इसके नीचे गया, समझ गए। इसको कैसे लिखूंगा, 7/D तो 7/6, C/D 7/6 होगी, समझ गए। अब देखो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1 है। अब देखो मैंने आपको एक तरीका बताया शुरू में कि मेरे को देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का रेशियो निकालना है, क्योंकि मेरे को चाहिए A और D चाहिए, ओनली A और D चाहिए, तो मैं A रेशियो D निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, तो मैं इन दोनों इन सब उन सबको काटना पड़ेगा, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 3:1, ये 5:4 और ये 7:6, यही है। अब देखो इनमें से जो कटे उसको काट दो, देखो 3×2=6 और कुछ नहीं कट रहा है ना, तो सीधे से 7×5=35 और ये कितना 4×2=8, मतलब ए और डी का रेशियो कितना आ गया, ए और डी का रेशियो 35:8 है ना, इसमें ए की वैल्यू 35 और डी की वैल्यू इतनी है, तो मेरे को ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू 8 और प्लस में 35, और डी वैल्यू 8 माइनस की 35, ठीक है, 8 और 5 की 43, और इसमें घटाऊंगा तो कितने बजे 35 में तो 5×3=27, तो कितने हो गए -27 है ना। तो ये ए डी प्लस ए और डी माइनस ए की वैल्यू है, बोलो समझ में आया, इजी है, बस आपको फ्रैक्शन के अंदर ले जाना है और लास्ट में जो मैंने पहले बताई थी वो आपको करना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट टाइप की, देखो अब देखो मैंने बताया था आपको लिए एक अलग स्लेट में रखे। देखो समानुपात का मैंने मतलब बता दिया कि ए रेशियो बी है ना, वो अगर समानुपात में कब होगी, जब बी सॉरी सी रेशियो डी उसके बराबर होगी, समझ में आया, इतना मैंने पहले आपको बता दिया। अब देखो इसमें कुछ अलग अलग टाइप के आपको समानुपात चलते हैं, जैसे आपको पहले मिलेगा चतुर्थ समानुपात, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्की मिलेगा आप आगने वाले वर्षों में, क्योंकि अभी तक नहीं देखने को मिला। सेकंड मिलेगा आपको तृतीय समानुपाती निकालो, कोई क्वेश्चन देगा कि पूछेगा तृतीय समानुपाती इसका क्या होगा, थोड़ा देखो राइटिंग थोड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ और वीडियो भी थोड़ी जल्दी जल्दी बनाऊँ। थर्ड वाला क्या मिलेगा आपको, मिलेगा मध्य समानुपाती क्या होगा, तो मध्य समानुपाती इसका क्या होगा। अब देखो आपको मैं देखो पूरा नहीं समझा, सीधा सीधा आपको एक दो फॉर्मूला बता, तीन फॉर्मूला होता सॉरी है ना, आपको देखो इस प्रकार आपको इस प्रकार मिलेंगे। चतुर्थ समानुपाती पूछेगा ना तो आपको तीन वैल्यू मिलेगी, जैसे ए बी सी आपको तीन वैल्यू मिलेगी, पूछेगा कि चतुर्थ समानुपाती इसका क्या होगा, तो आपको करना है लास्ट की दो वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और एक का भाग दे देना है, एक से डिवाइड कर देना है, बोलो समझिए। आपको इस प्रकार चतुर्थ समानुपाती निकालना। अगर तृतीय समानुपाती पूछेगा ना, अगर क्वेश्चन में तृतीय समानुपाती पूछेगा तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी, ए और बी आपको दो वैल्यूज मिलेगी, पूछेगा कि इन दोनों वैल्यू का तृतीय समानुपाती निकालो, तो आपको क्या करना है, जो बी का उसको स्क्वायर कर देना और ए से डिवाइड कर देना, बोल समझ में आया। आपको अगर चतुर्थ समानुपाती पूछे तो ये बी सी अपॉन में ए लिखना है, और तृतीय समानुपाती पूछे तो लास्ट वाले मतलब सेकंड वाली वैल्यू को स्क्वायर करना, फर्स्ट वाली वैल्यू से डिवाइड करना। अगर मध्य समानुपाती पूछे तो आपको दो ही वैल्यू मिलेगी ए बी, और आपको करना क्या, इन दोनों वैल्यू का अंडर रूट दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना है, समझ गए। चतुर्थ समानुपाती पूछे तो ये वाली लेनी है, तृतीय अनुपाती पूछे तो ये लेनी है, और मध्य समानुपाती पूछे तो ये लेनी है, ठीक। तो वो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बताता हूँ। देखो देखो ये पूछ रहा है कि 169 और 144 का मध्य समानुपाती होता है। देखो मैंने अभी भी बताया मध्य समानुपाती निकालना है। देखो मध्य निकालना है तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का क्या करना है, अंडर रूट लेना है। अब देखो इसका अंडर रूट कितना हुआ, 13 का स्क्वायर होता है, और 144 कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12×24=36, 3 और 12×1=3 156 इसका राइट आंसर होगा, बोलो समझ में। इस प्रकार क्वेश्चन करना है आपको। देखो अब देखो 6×12=4 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, मैंने क्या बोला कि आपको तीन वैल्यू मिले चतुर्थ समानुपाती निकलेगा, कैसे मैंने बताया था, अगर फोर्थ आपको निकालना है, फोर्थ समानुपाती निकालना तो दोनों लास्ट वाले दो वैल्यू है ना लास्ट की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, बी और सी मैंने बताया था, बी सी दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, और पहले वाले का डिवाइड कर देना, पहले वाले बस इतना ही करना, 6×6=12 और 4×2=8, ये इसका चतुर्थ समानुपाती, बोल समझ में आया। देखो अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखो ये पूछ रहा है 4×6 का तृतीय समानुपाती निकालो, कौन सा निकालना, तृतीय समानुपाती निकालना, करना क्या है, मैंने बोला तृतीय निकालना है,
तो बी का स्क्वायर करना, मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर करना और पहले से डिवाइड कर देना, बताया था। तो दूसरी वैल्यू क्या, चार, तो चार का स्क्वायर करना और छह से डिवाइड करना है। चार का स्क्वायर कितना, 16, छह से डिवाइड करना, बस आपका ये चतुर्थांश हो गया। ठीक है, कटे तो काट देना, नहीं कटे तो छोड़ देना। तो देखो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो अब ये क्वेश्चन ना समानुपात का बेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एक शिफ्ट में देखने को मिला है, आपकी शिफ्ट में भी 100% आएगा ये क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 100% आएगा, लेकिन इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं ट्रिक तो आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन थोड़ी सी समझने आपको कैसे कैसे करना, आपको ऐसे ही करना जो मैं बताऊंगा। टाइम लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, लेकिन आपको टाइम लगेगा। कैसे, देखो आपको चार वैल्यूज दे रखी, ये बोल रहा है कि 9, 15 और 21, 31, आपको दो दो की वैल्यू लेनी है। देखो ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है। ये पूछ रहा है कि इस इन दोनों इन चारों के अंदर मैं कौन सी वैल्यू जोड़ूँ कि वो ये दोनों ना ये समानुपात में आ जाएंगे, ये इन में क्या वैल्यू जोड़ूँ, जो वैल्यूज आएंगी वो समानुपात में आ जाएंगे, मतलब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात जोड़ने के बाद में तो समानुपात में आ जाएंगे। लेकिन आपको करना कैसे है, देखो सबसे पहले आपको दोनों इस प्रकार लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको देखो इसमें बोला क्या जोड़ूंगा, लेकिन आपको करना क्या है देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पहली दो वैल्यू इनका अंतर लेना है, कितना अंतर है, माइनस प्लस नहीं देखना आपको, अंतर लेना खाली, कितना अंतर है, 6 का अंतर है। लास्ट वाली दो वैल्यू इसमें कितना का अंतर है, 10 का अंतर है कि नहीं। अब इन दोनों को आपको जो कटे उसको काट देना, रेशियो लेना आपको, रेशियो, तो रेशियो में देखो ये तीन, ये तीन कट रहा है और ये कितना कट रहा है, रेशियो में 5 कट रहा है, ये 3:5 आ गए। अब आपको क्या करना है, अब देखो अब आपको करना है ये जो 5 है ना उसको एक तरह से वज्रगुणा मान लो, आपको वज्रगुणा पूछा होगा, पता होगा आपको। देखो 5 को इस फर्स्ट वाली वैल्यू से आपको कोई भी एक, कोई भी है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, इसमें भी ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है ना, कोई भी अगर ये 5 है ना, इनको अगर सेकंड प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 3 से भी, 3 को भी सेकंड प्लेस के से मल्टीप्लाई करो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक तरीका बता रहा हूँ, 5 को इसके फर्स्ट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 9 × 5 = 45 आया। सेम टू सेम इसी के जो, इसकी जो ये तीन वैल्यू है इसी के जो वज्रगुणा में 21 है ना फर्स्ट प्लस, अगर इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब कितना आएगा, 21 × 63 आएगा, कितना आएगा, 21 × 63 है ना, 21 × 63 आया। अब इन दोनों का लेना आपको अंतर, क्या लेना है, अंतर, अंतर लेके अब इसको डिवाइड कर देना है, जो इन इन दोनों का जो रेशियो था ना, इन दोनों 3 और 5 का रेशियो था, इन दोनों का अंतर कितना हो उससे डिवाइड कर देना, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो इन दोनों का अंतर कितना, देखो माइनस प्लस नहीं लेना आपको, 63 में से 45 घटा देना है, 13 में से 5 के कितने बजे, सॉरी 13 में से 5 के 8 बज गए, यहाँ पर बचका 18 को 2 से डिवाइड कर देना, तो 9 आंसर कितना आएगा इसका, 9 आएगा। मतलब इन सभी बी में मैं 9 जोड़ूंगा ना, 9 जोड़ूंगा तो जो सभी बस संख्याएं हैं वो समानुपात में आ जाएगी। देखो जोड़ के बताता हूँ आपको, देखो मैं इसमें 9 जोड़ रहा हूँ, कितना हो गया 18, जोड़ा इसमें 9 जोड़ा, 9 जोड़ूंगा तो कितना होगा, देखो 5 × 4 = 24 हो, इसमें 9 जोड़ूंगा कितने हो गए, इसमें 30, इसमें 9 जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 40 हो कि नहीं। देखो एक बार इसको चलो छोड़ दो, अब देखो इन दोनों को रेशियो लो, 18 × 24 ये सॉरी, तो इन दोनों का देखो काटो इसको, देखो 9 × 18 और 9 × 3 सॉरी नहीं कटा, देखो इन दोनों को, देखो इन दोनों को काटो, देखो 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 × 8 = 24 और भी कट रहा है, देखो इसको काटने में ये 2 से कट जाएगा और ये 4 सॉरी ये 3 बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, 3:4 है। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 3:4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो दोनों दोनों को समान पात में है कि नहीं। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन को करना है, देखो आप मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, पहले वाले दोनों का अंतर लेना है, सेकंड लास्ट दोनों का अंतर लेना है। अब रेशियो इसके अंदर रेशियो लेना आपको, कितने लास्ट में कटे उसका रेशियो ले लेना है ना, जैसे मैंने काट के 3:5 लिख दिया। अब ये जो 5 है उसको विपरीत साइड के पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 है उसके विपरीत साइड के पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, करना करने के बाद में दोनों का अंतर लेना है और इन रेशियो के अंदर इसका अंतर कितना उससे डिवाइड कर देना, बस इतना ही करना आपको, समझ में ठीक। और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं 100% करूँगी, एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो देखो दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी है 29 और 20 इधर रखिए, ये बोला है कि उन्हें उनमें से प्रत्येक में से प्रत्येक को 14 से घटाया जाता है, प्रत्येक में इन दोनों में से प्रत्येक को 14 घटाया जाता है, तो घटाने के बाद जो परिणाम ही आएगा वो जो लास्ट में आएगा वो इतना बचेगा, बोल क्या रहा है। अब देखो ये हमेशा रेशियो के अंदर इस प्रकार होता है, जैसे ए जैसे 2:3 है, तो ये दोनों संख्या का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वैल्यू जो इसमें से कटी है, तो मतलब ये 2x है, मतलब मान ली कि दोनों में से x कटी है और ये 3x है कि नहीं, मान ली। तो ऐसे ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे ट्रिक इसकी भी है लेकिन थोड़ा समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी आपको, फटाफट फटाफट बता रहा हूँ। इसको x मान लिया, मान लिया इसमें से प्रत्येक में से मैं 14 घटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक में से 14 घटा रहा हूँ, 14 घटाने के बाद में ये वैल्यू बची आपके पास, इस प्रकार कुछ इक्वेशन बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे, और कोई देखो आपके लिए यही सही तरीका होगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो आप,
देखो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 11 से मल्टीप्लाई करो, देखो 11 से मल्टीप्लाई करोगे 9 और 9 दो 11 दो 3 300 319 अक्स, और 14 से मल्टीप्लाई 14 ये आ जाएगा है ना, और इसको 17 से मल्टीप्लाई 17 दो 34 340, और इसको मल्टीप्लाई कर इस प्रकार इसको मिटा देता हूँ, 17 दो 14 17 तीन 17 चौक 68 6 बज गए, और 17 एकम 17 6 22 ठीक है। अब देखो इसका सॉरी इसके एक्स लगेगा, देखो थोड़ा मैंने मिस कर दिया। अब देखो इसमें से ये घटाऊंगा 319 में से तो 21 बचेगा, 21 एक्स 300 ये 319 इधर लेगा तो इसको इधर ले जाऊंगा, तो 328 228 में से 154 घटाओ 4 बच गए, और इसमें से घटाऊँ 12 में से कितने बच गए 7 बच गए, और यहाँ पर बचे कितने यहाँ पर 74 बचे, बस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74 बचे कितने बचे, एक मिनट देखो थोड़ा मिस्टेक कर दिया लगा मैंने, 14 सॉरी 17 तिकम 17 चौक 68 6 बज गए, 17 एकम 17 6 कितने हो गए 6 12 13 यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 है 23 है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर बचेगा 4 8, तो 8 कितने हो जाएंगे 21 दुना कितने 63 21 4 84 तो 21 4 84 अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब मैंने उन दोनों के दोनों संख्याओं में से क्या काटा था, दोनों संख्याओं में से ये काटा था समझिए, तो संख्या क्या थी, अब देखो संख्या प्रारंभ में 29 रेशियो ये थे 29 अक्ष थी पहली संख्या, और दूसरी की कितनी थी 20 अक्ष थी, तो इसको अक्ष से मल्टीप्लाई कर लो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये दूसरी संख्या 80 हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना वो संख्या देगी आपको इस प्रकार करना ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा कि 30 लीटर दूध है, कितना लीटर दूध है 30 लीटर कोई दूध है ठीक है, मैंने दूध लिखा 30 लीटर दूध है, उसमें दूध और पानी का अनुपात, मैं देखो क्वेश्चन सीधा लिख रहा हूँ, दूध और पानी का अनुपात ना वो दे रहेगा 7:3 दे रहेगा ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें से कितना पानी और मिलाए, इनमें ना कितना पानी और मिलाए कि दूध और पानी का रेशियो, दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:7 हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बोला कि 30 लीटर एक मिश्रण है शुरू में ठीक है, दूध पानी का मिश्रण है, सॉरी दूध पानी का मिश्रण है, मैंने बोला कि 30 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का रेशियो 7:3 है, तो ये बोला कि इसमें कितना पानी, ये बोला कितना पानी और मिलाए, कितना पानी और मिलाए कि जो दूध पानी का रेशियो वो 3:7 हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करना कैसे है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो मैंने बोला क्या है कि पानी मिलाना है मेरे को, दूध तो उतना ही रखना है, दूध को सेम रखना है, तो आप क्या करो कि दूध और पानी का जो मिश्रण है, देखो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपको, देखो करना कैसे, देखो दूध पानी का मिश्रण, देखो पहले प्रारंभ में कितना था 7:3 था ठीक है, और बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 3:7 हो गया कि नहीं होगा, लेकिन अपने को पता है कि दूध का जो मात्रा वो दोनों में सेम है, पहले में मैंने कुछ नहीं बोला, खाली मैंने पानी को चेंज करना है ना, तो आपको पता है कि दूध सेम है, तो मैं दूध को सेम कर देता हूँ, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर उल्टा मल्टीप्लाई करते दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करूँगा, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से करूँगा ना, तो देखो इसको करने के बाद कितना आएगा 7:21 और अनुपात 3:3, और इसको करूंगा तो कितना आएगा 7:21 अनुपात 7:49 हुआ कि नहीं। अब देखो बड़ा कितना पानी बढ़ा ना, देखो साफ साफ मेरे पड़ रहा है ये पानी है और ये दूध है, तो पानी कितना बढ़ा 40 बढ़ा, कितना बढ़ा 40 बढ़ा, 40 बढ़ा पानी, लेकिन अपने को पता क्या, अपने को दे क्या रहेगा 30 लीटर, ये प्रारंभ में जो मात्रा थी मिश्रण की मात्रा कितनी थी प्रारंभ में 30 लीटर थी, अपने हिसाब से मात्रा कितनी है, अपने हिसाब से देखो मात्रा कितनी है, दूध 21 है और पानी कितना 9 है, दोनों दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल मिश्रण आएगा नहीं आएगा, तो 30 अपने को दे रखी है, 30 अपने निकाल ली, और अपने को निकालना कितना है, कितना लीटर पानी मिलाया 40 लीटर मिला, 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्वेश्चन में दे रखा वो ऊपर, अपन ने जो निकाला वो नीचे, और जो निकालना है अपने दूध की मात्रा निकालने की जो मिला है वो उसकी निकालनी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसे 30 एक बार कट गया तो उसका आंसर कितना जाएगा 40 लीटर मेरे को पानी मिलाना पड़ेगा, बोले समझ में आया ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्या क्वेश्चन है, मैंने बोला कि दो व्यक्ति है ए और बी, कोई दो व्यक्ति है ठीक है, उन दोनों व्यक्ति की जो आय है ना, सॉरी आय का नाम आ रहा आयु, सॉरी जो उनकी आयु है ना, उन आयु का अनुपात कितना दे रहेगा 2:5 दे रहेगा, मैंने क्या बोला कि दो व्यक्ति है उनकी आयु का अनुपात 2:5 दे रहेगा, यदि उनकी उम्र का अंतर है ना, उनकी उम्र का अंतर मैंने मतलब आयु का अंतर, यदि उनकी आयु का अंतर वो दे रहेगा 15 वर्ष, कितनी दे रहेगा 15 वर्ष। अब देखो आपको सिंपल तरीके से करना है, देखो तो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु है ना, तो आप करना कैसे, अपने को जो दे रहेगा सबसे पहले वो लिखना ऊपर, देखो 15 साल, देखो अपने हिसाब से दे रखा है उनकी आयु का अंतर 15 वर्ष दे रहेगा, लेकिन रेशियो में उसकी आयु का अंतर कितना 3 वर्ष है, तो आपको करना क्या है, अपने को जो दे रहेगा वो ऊपर लिखना है
और अपने हिसाब से तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने हिसाब से कितनी वैल्यू इसकी रेशियो के हिसाब से तो 3 है ना, तो क्वेश्चन में दे रखी है उनके आयु का अंतर 15 वर्ष है, लेकिन रेशियो के हिसाब से उसके अंतर कितना 3 वर्ष है, गुणा आपको जो निकालना जिसकी निकालनी उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए है ये बी है, तो बी की निकालने बी को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक 3 को काटूंगा 5 पर कट जाएगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 वर्ष, मतलब बी की वर्ष कितनी आयु कितनी 25 वर्ष। बोले समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है क्वेश्चन और कराता हूँ, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है देखो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया पीछे, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछा है। देखो ये क्या दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात है ना वो दे रखा है 3:4, 3:4 ये आयु का अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात। मैंने बोला कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है, ठीक है 3:4 दे रखा है। पूछ लिया सॉरी उसने और क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। क्या दे रखा है देखो, ए और बी की आयु का अनुपात वर्तमान अनुपात है वो 3:4 दे रखा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी, ए की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान वर्तमान आयु पूछिए है ना, तो इसको किस प्रकार करना है देखो, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले इस प्रकार क्वेश्चन दे रखे ना, तो आपको करना क्या है देखो, आपको पता है कि ए और बी दो है, वर्तमान कितनी देगी, वर्तमान दे रहेगी 3:4, बाद में 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4:5, मतलब आपको पता है कि दोनों की जो इन दोनों गैप कितना है, इन दोनों गैप देखो, इन दोनों गैप मतलब ये एक ही आयु, ये 3 से 4 साल हुई, इनकी 4 से 5 वर्ष मतलब एक ही तो बड़ा, इन दोनों गैप देखो मतलब 5 वर्ष बाद में ऐसे तो है नहीं कि ये 5 साल बढ़ जाएगा, ये 5 साल बाद 6 साल, पांच दोनों का गैप सीमित होगा, मतलब ये 5 साल का बढ़ेगा मतलब ये सेम बढ़ेगा, ये भी सेम बढ़ेगा, मतलब इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप देखना आपको, गैप देखना गैप कितना है, 5 वर्ष ही तो मतलब 5 साल से बेहतर, एक की वैल्यू कितनी देगी आपको 5 दे रखी है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार करना है ना। तो ये पूछा कि आप एक की यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है, पूछा क्या कि एक आयु कितनी है, तो एक ही वर्तमान पूछिए, अगर वर्तमान पूछिए तो एक आयु कितनी है 5 है, तो एक ही वर्तमान सॉरी 3 है, एक ही 3 है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 से 15, तो एक ही वर्तमान आयु कितनी होगी 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना है, तो आपको आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और संभवतः इनमें से ही आपको कोई टाइप देखने को मिल जाएगा आने वाले शिफ्टों में, तो आपको वीडियो पसंद आए तो। और हाँ एक बात और, अगर आपने एग्जाम पहले दे दिया तो अपना स्कोर कमेंट में टाइप करना ना भूले, कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी भी लिखनी है, ठीक है चलो लास्ट एंड करते हैं।